हेलो दोस्तों वेलकम टू द वीडियो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जितने भी हमारे यहाँ रेवोल्यूशन यानी कि क्रांतियाँ हुई हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड उस पर जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्ज़ाम में हमने वो सारे कवर करते हुए एक वीडियो बनाया है और साथ ही साथ उससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन भी हमने इसमें दी है तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ सो लेट्स गेट स्टार्टेड हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ इट पेट्रोलियम प्रोडक्शन फिश हाई इल्डिंग वरायटी प्रोग्राम या फिर ऑयल सीड प्रोडक्शन सो द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज़ हाई इल्डिंग वेराइटी प्रोग्राम बेसिकली जो ग्रीन रेवोल्यूशन है या हम हरित क्रांति कहें ये एक हाई इल्डिंग वरायटी प्रोग्राम है इसमें हाई इल्डिंग वराइटी सीड्स डेवलप किए गए हैं सो डैट प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया जा सके सो आंसर इज सी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्रॉप इज एसोसिएटेड विद ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति से कौन सी क्रॉप जुड़ी हुई है यानी कि ये किस क्रॉप के साथ स्टार्ट किया गया था सो बेसिकली ये जो है वीट के साथ स्टार्ट किया गया था सो योर आंसर इज बी वीट नाउ द थर्ड क्वेश्चन उसी से ग्रीन रेवोल्यूशन से ही रिलेटेड है क्वेश्चन है ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज स्टार्टेड फ्रॉम विस पर्टिकुलर स्टेट जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो पहली बार किस पर्टिकुलर स्टेट में इंट्रोड्यूस किया गया था ठीक है तो आपके पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बिहार एंड पंजाब सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी पंजाब ठीक है यानी कि जो ग्रीन हरित क्रांति है वो पंजाब से स्टार्ट की गई थी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति के पिता के रूप में किसे माना जाता है ठीक है तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी एम एस स्वामीनाथन सो so, एक और चीज़ जो आपको यहाँ पे याद रखनी है वो ये अगर इंडिया के रेस्पेक्ट में दिया है तब इसका आंसर आप एम एस स्वामीनाथन लेंगे लेकिन अगर वर्ल्ड के हिसाब से दिया है तो इसका आंसर होगा नॉर्मन बोरलॉग और ये यू से थे तो आपको ये दोनों ही चीज़ें याद रखनी है कि वर्ल्ड में कौन किसका नाम आएगा एज अ फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एज़ वेल एज़ इंडिया में किसका नाम आएगा और ये जो नॉर्मन है ये किस पर्टिकुलर कंट्री से बिलोंग करते हैं ओके आई होप इट इज़ क्लियर Now, the next question is: Brown Revolution is related to which of the following? जो भूरी क्रांति है वो इनमें से किससे related है? Is it prawn, petroleum, leather या cocoa या फिर potato? So your answer is option number C, leather या cocoa. आपको दोनों में से कोई सा भी option आएगा, leather या cocoa दोनों ही सही हैं. ठीक है तो brown revolution is basically related to option C, leather and cocoa production. नेक्स्ट क्वेश्चन राउंड रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू सॉरी यहाँ पे टू टू टाइम्स आ गया है खैर राउंड रेवोल्यूशन जो है गोल क्रांति है वो किससे संबंधित है किससे रिलेटेड है इज इट कॉटन पटेटो एग या मिल्क ठीक है तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी पटेटो यू शुड ऑलवेज यू नो रिमेंबर दिस की राउंड रेवोल्यूशन गोल क्रांति जो है वो है आलू से रिलेटेड या पटेटो से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन येलो रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू जो पीली क्रांति है वो किससे रिलेटेड है तो पीली क्रांति जो है वो हमारी ऑयल सीड प्रोडक्शन से रिलेटेड है यानी कि जो तिलहन की फसलें होती हैं उनमें हाई प्रोडक्शन के लिए पीली क्रांति या येलो रेवोल्यूशन यू नो रिलेटेड है, uh, you know, है उससे ओके okay? नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ सिल्वर रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड टू जो सिल्वर रेवोल्यूशन है वो किससे एसोसिएटेड है सो योर ऑप्शन गोज कॉटन प्रोडक्शन एग या पोल्ट्री ऑयल सीट प्रोडक्शन या फिर हनी प्रोडक्शन ठीक है तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर सिल्वर रेवोल्यूशन का आंसर है एग या पोल्ट्री लेकिन आप इस क्वेश्चन में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे क्योंकि एक और क्वेश्चन है वो है सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन अगर क्वेश्चन में आता है कि सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है देन इट्स आंसर इज कॉटन प्रोडक्शन इफ इट इज ओनली सिल्वर रेवोल्यूशन देन द आंसर इज एग या पोल्ट्री नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन रेनबो रेवल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है तो जैसे कि आपको पता ही है कि रेनबो में बहुत सारे कलर्स होते हैं इसीलिए इसका नाम ही ऐसा पड़ा हुआ है यानी कि जो ये रेनबो क्रांति है या यू नो इंद्रधनुष क्रांति कह लीजिए ये ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है ठीक है यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसका आंसर है आंसर बी होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ओवरऑल वेल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज रेनबो रेवोल्यूशन आई होप इट इज क्लियर नाउ टेंथ क्वेश्चन ब्लैक रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू काली क्रांति किससे संबंधित है इज इट कॉटन प्रोडक्शन ऑनियन ऑयल से प्रोडक्शन या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्शन तो आपको याद रखना है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी पेट्रोलियम प्रोडक्शन सो ब्लैक रेवल्यूशन इज रिलेटेड टू पेट्रोलियम प्रोडक्शन नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वाइट रेवल्यूशन इज रिलेटेड टू सफेद क्रांति किससे संबंधित है इज इट कॉटन प्रोडक्शन ऑनियन एग या पोल्ट्री मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट बिफोर यूर आंसर दिस आपको बिल्कुल इसमें यू you नो know, ध्यान रखना है कि वाइट लिखा है ऑल दो कॉटन भी वाइट होता है एग भी वाइट होता है है ना तो आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है और इसका आंसर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट चाहे वो आपको ऑप्शन में मिल्क आ जाए या डेयरी प्रोडक्ट आ जाए या दोनों ही आ जाए सो ऑप्शन विल भी दी मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट वाइट रेवल्यूशन इज़ रिलेटेड टू ऑप्शन डी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अगेन रिलेटेड टू वाइट रिवल्यूशन क्वेश्चन इज हु इज रिगार्डेड एज दी फादर ऑफ वाइट रिवल्यूशन जो श्वेत क्रांति है उसके पिता के रूप में किसको देखा जाता है सो द राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन सी वर्गीज कुरियन ओके ना नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू नीली क्रांति किससे रिलेटेड है इज इट फिश प्रोडक्शन ऑयल सीड प्रोडक्शन फूड ग्रेन्स या प्रॉन प्रोडक्शन से सो ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू ऑप्शन नंबर ए फिश प्रोडक्शन ठीक है मछली के उत्पादन से ब्लू uh, रेवोल्यूशन या नीली क्रांति एसोसिएटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन रेड रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू जो लाल क्रांति है वो किससे संबंधित है तो जो लाल क्रांति है या रेड रेवोल्यूशन है इट इज़ बेसिकली एसोसिएटेड टू टमेटो या मीट प्रोडक्शन से टमाटर से या मीट प्रोडक्शन से एसोसिएटेड है अगर आपको ऑप्शन में टमाटर दिया है टमेटो दिया है देन ऑल्सो इट इज़ फाइन इफ इट इज मीट ऑल्सो देन इट इज़ फाइन और अगर दोनों दिया है तो भी आपको यही टेक करना है सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी टोमेटो एंड मीट नेक्स्ट क्वेश्चन पिंक रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है इज़ इट फिट प्रोडक्शन ऑयल सीड टमेटो या मीट या फिर प्रॉन या ऑनियन तो हमने देखा टमेटो एंड मीट वॉज एसोसिएटेड विद द रेड रेवोल्यूशन इसलिए इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी प्रॉन या फिर ऑनियन यानी कि जो झींगा मछली होती है और जो प्याज है आपको दोनों ही ऑप्शन में दिया है तो दोनों ही सही है अदरवाइज अगर एक प्रॉन या एक सिंगली यू नो ऑनियन दिया हुआ है तो आप उसको टिक करेंगे ठीक है तो राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर डी Now next question, which is again related to the Pink Revolution. Uh, father of Pink Revolution is Pink Revolution के uh, जो पिता के रूप में किसे देखा जाता है गुलाबी क्रांति के पिता के रूप में किसे देखा जाता है So the right option for this particular question is question uh, option number A Durgesh Patel. आपको याद रखना है Pink Revolution is related to prawn and onion and उसके जो पिता हैं जो father of Pink Revolution हैं वो है Durgesh Patel. Next question: Gray revolution is related to? Is it egg, cotton, fertilizer, or honey? So, the answer to this question is option number C: C fertilizer. Now, the next question: Golden fiber revolution is related to? गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन किससे एसोसिएटेड है सो द ऑप्शन आर एग कॉटन जूट या सनफ्लावर तो so, आपको ये याद रखना है कि गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द ऑप्शन नंबर सी जूट अगेन आपको याद रखना है कि अगर ये सिल्वर फाइबर है हमने इसको डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले तो वो होगा कॉटन uh, और इफ़ इट इज गोल्डन फाइबर देन इट इज़ जूट सो द ऑप्शन इज सी जूट नेक्स्ट क्वेश्चन गोल्डन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है सो so, इसके लिए जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए हॉर्टिकल्चर या फिर हनी से ठीक है तो गोल्डन रेवोल्यूशन द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन सुनहरी क्रांति के पिता के रूप में किन्हें देखा जाता है सो द राइट ऑप्शन फॉर दिस पटल क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी निरपक टुटाज को ओके okay? आपको पता ही है कि जो ऑप्शन ए है एम एस स्वामीनाथन वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो किसके लिए है वो है ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए बाकी जो ऑप्शन नंबर बी और सी दिया है ये किन के लिए है हम ये आगे देखेंगे सो फॉर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ब्राउन रेवोल्यूशन भूरी क्रांति के पिता के रूप में किसे देखा जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये याद होना चाहिए कि ब्राउन रेवोल्यूशन हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था वो लेदर या कोकोवा प्रोडक्शन से रिलेटेड था अब इज एज अ फादर ऑफ ब्राउन रेवोल्यूशन जो आंसर है दैट इज हीरा लाल चौधरी सो ऑप्शन नंबर सी हीरा लाल चौधरी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ़ सिल्वर रेवोल्यूशन आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हु इज़ कंसिडर्ड एज दी मदर ऑफ़ सिल्वर रेवोल्यूशन सो द राइट आंसर ऑब्वियसली यहाँ पे एक जो यू नो फीमेल नाम है वो है गांधी so, इंदिरा गांधी का सो इंदिरा गांधी इज़ कंसिडर्ड एज द फादर और यू कैन से मदर ऑफ़ दी सिल्वर रेवोल्यूशन और हमने पढ़ा है कि जो सिल्वर रेवोल्यूशन है वो किससे रिलेटेड है वो एग या पोल्ट्री से रिलेटेड है ना सो नेक्स्ट क्वेश्चन फाइबर और सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन अगर आपको क्वेश्चन में फाइबर दिया है या फिर आपको क्वेश्चन में दे दिया है सिल्वर फाइबर ये किससे रिलेटेड है सो द ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन आर कॉटन जूट सनफ्लावर या पेट्रोलियम द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन ए कॉटन आपको याद रखना है कि ये दोनों ही चीजें कॉटन से ही रिलेटेड हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सनराइज रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है सनराइज रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है ये ऑप्शन गोस कॉटन जूट सनफ्लावर या इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री सो द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज ठीक है तो आप बिल्कुल इसको याद रखेंगे सनराइज इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें सनफ्लावर में टिक करें इनफैक्ट इसका जो राइट right ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज़ ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वेरियस रेवोल्यूशन जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं हमने वो सारे कवर किए हैं उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी हमने देखे सो एट लास्ट एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए द क्वेश्चन गोज सैम पिटरोडा इज रिलेटेड टू विच पर्टिकुलर रेवोल्यूशन प्लीज़ आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स आई होप यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर द वीडियो थैंक यू वेरी मच